हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? जी हाँ, अभी मेरे सामने है महिंद्रा बोलेरो डीआई, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये कितने सिलेंडर का इंजन है, और ये हम कैसे पता करेंगे। ऐसा तो हम देख करके बता नहीं सकते, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल मेथड है। आप गाड़ी का बोनेट ओपन कीजिए और इंजन के पास जाइए, क्योंकि ये डीजल इंजन है। तो आप यहाँ पे देखते हो सिलेंडर जो हेड होता है, इंजन का हेड होता है, वहाँ पे ये पार्ट्स लगा होता है। अब ये पार्ट्स क्या है? इसको बोलते हैं इंजेक्टर। तो जितने नंबर्स ऑफ इंजेक्टर होंगे उतने नंबर्स ऑफ सिलेंडर होंगे। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो गाइस, ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। और अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो वहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है। ऐसे आप ट्रैक्टर्स के भी वो कितने सिलेंडर का है वैसे आप जान सकते हैं इंजेक्टर के मदद से। और मैं कुछ आपको ओवरव्यू ऐसे बता देता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था ब्रेक के बारे में, तो ये महिंद्रा का है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेक फ्लूड डालते हैं, और जब भी हम ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं तो वो हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे कि हमारा जो वहाँ पे मैकेनिज्म लगा होता है वो ओपन एक प्रेशर जनरेट करके उसे एक्सपेंड करता है। इसको बोलते हैं गाइस मास्टर सिलेंडर। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ वो आप मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।